बेबे बहुत उदास है ना। नाना पुत्र मैं क्यों उदास होने लगी? मैं जानती हूँ, घर में एक छोटा सा प्लास्टर भी टूट जाता था तो तेरी हालत खराब हो जाती थी, और अब तो बसा बसाया घर बिखर गया है। तेरी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा है बेबे। ओफो ओए पुत्र, तुम दोनों इसी तरह दुखी रहोगे, रोते रहोगे तो मेरा क्या होगा? मंजीत पुत्र, छोड़ यार, जो हो गया सो हो गया, कोई गल नहीं। कोई गल तो जरूर है, है कि नहीं मंजीत? हाँ जी काका, मैं भी यही पूछ रही थी। बेटी से मिलकर भी आपके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई देती, क्या बात है? हमसे कोई गलती हुई है? नाना जी, ऐसी बात बोलकर आप हमको शर्मिंदा तो मत करो। इस घर में हमको इतना अपनापन मिला है ना कि हम अपना घर खोने का दुख भी भूल गए। तो फिर क्या बात है समधी जी? समधन जी, दरअसल बात यह है जी कि कल गणेश चतुर्थी है और हम लोग हर साल अपने घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं, पर इस साल वो क्या है ना जी, घर ही नहीं रहा तो टूट गया घर। बुरा मत मानिए, लेकिन आप और गणपति की स्थापना? देखो जी, गल ये है कि मैं तो हूं सिख, लेकिन ये मंजीत की माँ ऐसे घर से आई है जहां हर साल गणपति की स्थापना भी होती थी और पूजा भी। तो जब ये हमारे घर में आई, बस गणपति जी भी हमारे घर में आ गए। जी काका, गुरु नानक देव जी हूं, अल्लाह हो या गणेश जी, नाम से क्या फर्क पड़ता है, मालिक तो एक ही है ना जी। ये दरअसल मन की श्रद्धा की बात है। तो जब श्रद्धा की बात है तो फिर जगह कोई भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी घर तो वही होता है जहां हमारे अपने रहते हैं, इसलिए इस बार भी गणपति की स्थापना होगी और जरूर होगी, और आपके इस घर में होगी। गणपति की स्थापना ना इस घर में? सुना सुना तूने मजीद की माँ? जी काका क्या कह रहे हैं? भले ओए, आपके वजह से इस घर में गणपति जी की स्थापना होगी तो हमें भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा, जो है कि नहीं मंजीत बहुरान जी? अरे जाओ, महेश और मनप्रीत को बुला लाओ। ओ जी, वो दोनों तो हमारे घर के काम के वास्ते ना पुलिस स्टेशन और इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, कांति और हरी तो है जी, मैं उन्हें बता के आती हूँ।